बैटरी स्वैपिंग एक ऐसा ख्वाब है जिसे हकीकत में तब्दील करने के लिए आ गया है गोगोरो। जी हाँ, गोगोरो की भारत में एंट्री हो चुकी है और ये है गोगोरो की सबसे पहली स्कूटर जिसका नाम है क्रॉसओवर। इस स्कूटर के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स अनपैक करनी है, बहुत कुछ बताना है आपको, पर ये वीडियो शुरू करने से पहले आप कारण बाइक हिंदी को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फॉलो कर लेंगे तो हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, हम आप तक सारी खबरें और सारे रिव्यूज़ लाते रहेंगे, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। पहली नज़र में आपको गोगोरो क्रॉसओवर थोड़ी सी हटके मालूम होगी, और वो इसीलिए क्योंकि इसमें लगे हैं ये मल्टी कलर्ड बॉडी पैनल्स। थोड़ी सी डिसजॉइंटेड ज़रूर लगती है, लेकिन आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि ये स्कूटर फ्लेक्सिबिलिटी और वर्सेटिलिटी को दिमाग में रखते हुए बनाई गई है, और इस पर आप जब एक करीब से नज़र डालेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इसकी क्वालिटी और इसे जिस तरीके से बनाया गया है काफ़ी अच्छा है। इसकी जो शट लाइंस हैं, जो पैनल गैप्स हैं, वो कंसिस्टेंट हैं, जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं वो हार्ड वेयरिंग फील होते हैं, जो गोगोरो बायर्स को काफ़ी पसंद आएगा। खूबसूरत भले ही ना हो, लेकिन क्रॉसओवर काफ़ी प्रैक्टिकल है। आप देख सकते हैं जो इसकी स्प्लिट सीट है वो काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन की गई है, उसमें एक हिंज लगा है जिससे आप इसे फॉरवर्ड फ्लिप करके इसे एक बैकरेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब आप बैकरेस्ट बनाएंगे तो पीछे जगह बन जाएगी स्टोरेज के लिए, और यहाँ पे आप एक लगेज रैक लगा सकते हैं जो गोगोरो एक्सेसरी के तौर पे ऑफर करेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सामान स्टोर किया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी जगह है एक पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर कैरी करने के लिए, और यहाँ पे फुटबोर्ड पे एक रैक भी है उसे सिक्योर रखने के लिए। और आगे की तरफ आप देखें तो इसकी जो हेडलाइट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो प्रोट्रूड करती है बॉडी वर्क से, और एक लोड बेरिंग एलिमेंट भी है जिसकी वजह से उस पर भी आप एक लगेज रैक लगा के और सामान कैरी कर सकते हैं। है ना कमाल की चीज़। क्रॉसओवर पे कोई फैंसी टच स्क्रीन नहीं लगा है, इस पर सिर्फ एक बेसिक सा कलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये हमें सिर्फ बैटरी चार्ज स्टेटस दिखा रहा है, बट ये रेंज और टॉप स्पीड, टोटल किलोमीटर्स का वर्ड भी दिखाएगा। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप कोई भी आइटम्स या पानी की बॉटल आप स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे बैग हुक बनाया गया है। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे एक फिजिकल की है, जो लोअर वेरिएंट है उस पर फिजिकल की आएगी, बट जो हायर वेरिएंट्स हैं उसको आप एक की कार्ड से अनलॉक करके इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ इसका अंडर सीट स्टोरेज। यहाँ पे आप नज़र डालिए तो देखें, यहाँ पे बैटरीज़ को स्टोर करने की जगह है। ये दो बैटरीज़ हैं, दोनों की कैपेसिटी इंडिविजुअली 1.6 किलोवाट आवर्स की है, कंबाइंड कैपेसिटी करीब करीब 3.2 किलोवाट आवर्स की है, जो गोगोरो कहता है आपको रियल वर्ल्ड में करीब करीब 100 किलोमीटर तक की रेंज दे देगा। और मैं आपको ये उठा के भी दिखा देता हूँ कि इसका वज़न कितना है। ये बैटरी का साइज़ इतना है, वज़न करीब 9 से 10 किलो है। अगर आपने आज बाइसेप्स नहीं मारे हों तो ये उसके लिए भी अच्छा है, आप थोड़ी सी कसरत कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कोई फिज़िकल वायर नहीं है जो कनेक्ट करता है, ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है बैटरी, तो आप इसे स्वैप स्टेशन से निकालें और सीधे स्कूटर में लगाएं और निकल जाएं। और इसमें ये अंडर सीट स्टोरेज भी दी गई है। ये एरिया फ्लैट तो नहीं है तो यहाँ थोड़े बड़े आइटम स्टोर करना मुश्किल होगा, बट जगह फिर भी काफ़ी है और काफ़ी यूजेबल सा स्पेस है, तो आपको ये भी काफ़ी पसंद आएगा। क्रॉसओवर के तीन मेन वेरिएंट हैं, जो बेस वर्जन है GX 250, वो B2B बायर या जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए बनाया गया है। उसमें लगा है एक 2.5 किलोवाट का हब मोटर। जो प्राइवेट यूज़ के लिए ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए दो वेरिएंट्स हैं, जिसका नाम है बेस वेरिएंट का 50, जिसमें एक 5 किलोवाट का हब मोटर लगा है, और रेंज टॉपिंग S, जिसमें 7.2 किलोवाट का मिड ड्राइव मोटर लगा है। टॉप स्पीड GX 250 की है करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो 50 है उसकी टॉप स्पीड होगी करीब करीब 80 किलोमीटर्स एन आर, और जो S है उसकी टॉप स्पीड होगी करीब 90 किलोमीटर्स एन आर। क्रॉसओवर की प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, ये बन रही है महाराष्ट्र में और यहीं से एक्सपोर्ट भी की जाएगी। फिलहाल आप इसे खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि ये अभी सिर्फ B2B कस्टमर्स के लिए ही है, बट जो कस्टमर वर्जन है, प्राइवेट बायर्स के लिए जो वर्जन है, वो होगा ऑन सेल mid-2024 तक, तो अगले 6 महीने में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन अभी तक इसकी प्राइस भी नहीं बताई गई है, और जो बैटरी स्वैपिंग सर्विस है उसके सब्सक्रिप्शन रेट्स भी नहीं शेयर किए गए हैं। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो ये होगी कि गोगोरो अपना बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क कितनी जल्दी से बढ़ा सकता है इस चीज़ को फीजिबल बनाने के लिए, बट ये स्कूटर अभी काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही है। क्या लगा आपको
गोगोरो क्रॉसओवर के बारे में, क्या आपको इसका डिज़ाइन पसंद आया, क्या आपको कोई फीचर्स मिसिंग लगे स्कूटर से, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो वो भी हमारे लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।